अगर आप भी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से अपने फेसबुक अकाउंट को अनलिंक करना चाहते हैं, जिससे कि आप अगर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कोई भी फोटोज़, वीडियो या फिर पोस्ट को अपलोड करें तो वो आपके फेसबुक अकाउंट पर ऑटोमेटिक अपलोड नहीं हो, तो इसके लिए सबसे पहले आपको आपके इंस्टाग्राम अकाउंट से अपने फेसबुक अकाउंट को अनलिंक करना होगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ कि कैसे आप इजी स्टेप्स को फॉलो कर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से अपने फेसबुक के अकाउंट को अनलिंक कर सकते हैं। तो आगे इस वीडियो को कंटिन्यू एंड तक वॉच कीजिए, और इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर सही कर दीजिए। तो सबसे पहले आपको अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से फेसबुक के अकाउंट को अनलिंक करने के लिए इंस्टा एप्लीकेशन को ओपन कर लेना। इंस्टा एप्लीकेशन ओपन करने के बाद आपको कॉर्नर पर आपका एक प्रोफाइल का आइकन दिखाई देगा, तो आपको इसके ऊपर टैप करना है। इसके ऊपर टैप करने के बाद आपको अगेन सबसे ऊपर पर थ्री डॉट का एक आइकन दिखाई देगा, तो अगेन आपको इसके ऊपर टैप करना है। इसके ऊपर टैप करने के बाद आपको सबसे फर्स्ट पर ही एक ऑप्शन दिखाई देगा अकाउंट सेंटर का, तो आपको इसके ऊपर टैप करना है। आपको यहाँ पर एक एरो का ऑप्शन दिखाई देगा, तो आपको इसके ऊपर टैप करना है। इसके ऊपर टैप करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास प्रोफाइल्स का एक ऑप्शन सबसे फर्स्ट पर ही आ चुकी है। मैं जब इस एरो के ऑप्शन पर टैप करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे इंस्टा से फेसबुक अकाउंट कनेक्टेड है, यानी कि मैं जो भी फोटो, वीडियो या फिर पोस्ट इंस्टा पर अपलोड करूंगा वो ऑटोमेटिक मेरे फेसबुक अकाउंट पर अपलोड हो जाएगी। तो इसे अनलिंक करने के लिए आपको यहाँ से बैक चले आना है। बैक आने के बाद आपको स्क्रॉल कर नीचे के तरफ आना है। अब आपको यहाँ सबसे नीचे एक ऑप्शन दिखाई देगा अकाउंट्स का, तो आपको इसके ऊपर टैप करना है। आपको यहाँ पर कॉर्नर पर एक एरो का ऑप्शन दिखाई देगा, तो आपको इसके ऊपर टैप करना है। देन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा इंस्टा और फेसबुक यहाँ पर आपके सामने में ओपन हो चुकी है। अब अगर आपको अपने फेसबुक अकाउंट को अनलिंक करना है तो फेसबुक के आगे यहाँ पर रिमूव का एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा, तो आपको इस रिमूव के ऑप्शन पर टैप करना है। देन आपके सामने में यहाँ पर अदर्स कुछ ऑप्शंस ओपन हो जाएगी, तो आपको सबसे फर्स्ट पर रिमूव अकाउंट्स का एक ऑप्शन दिखाई देगा, आपको इसके ऊपर टैप करना है। अब यहाँ पर ये अगेन कंफर्म करने को बोल रहा है, तो मैं यहाँ नीचे यस रिमूव के ऑप्शन पर टैप करूंगा। इसके ऊपर टैप करने के बाद आपको कुछ सेकंड्स के लिए वेट करना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक ओके का पॉपअप ओपन हो चुका है, मैं यहाँ से ओके करूंगा। ओके करने के बाद आप देख सकते हैं कि मेरा जो फेसबुक अकाउंट अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से मैंने लिंक किया था वो यहाँ से रिमूव हो चुकी है। अब आप अगर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कोई भी फोटो, वीडियो या फिर पोस्ट को अपलोड करेंगे तो वो आपके फेसबुक अकाउंट पर अपलोड नहीं होगी। तो दोस्तों, देखा आपने कितना इजी था अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से अपने फेसबुक के अकाउंट को अनलिंक करना। आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अगर अनलिंक किए हैं तो आप दोबारा से कैसे अपने इंस्टा से अपने फेसबुक अकाउंट को लिंक कर सकते हैं। आगे आपको अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर सही कर दीजिए। साथ ही अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर भी रख सकते हैं, क्योंकि मैं इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को इस चैनल पर अपलोड करते रहता हूँ।